हाय गाइस, आज हमारे पास कमाल का प्रोडक्ट आया, ये है विंग्स के गेमिंग नेगमेंट फैंटम 1000। दोस्तों, विंग्स वालों ने फैंटम वर्ड को ऐसे पकड़ा जैसे किसी तांत्रिक ने भूत चुड़ैल को पकड़ लिया हो। अब ऐसे देख लेते हैं फैंटम का मतलब होता क्या है। हे गूगल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैंटम? सच में मुझे नहीं पता था। तो चलो फैंटम की भूतिया बातों से आगे बढ़ते हैं और डब्बे को खोल लेते हैं कि डब्बे के अंदर आपको क्या क्या चीजें और क्या क्या मतलब भूत प्रेत तो नहीं देखेंगे, तो जल्दी से खोल लेते हैं इसे। तो गाइस, डब्बा कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। फैंटम 1000 की ब्रांडिंग है, यहाँ पर विंग्स लिखा हुआ और पीछे यहाँ पर साइड में यहाँ पर स्पेक्स वगैरह दे रखे हैं। बाकी यहाँ पर कुछ कुछ माल मसाला लिख रखा है, लेकिन बॉक्स के अंदर देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मिलेगा आपको एक वारंटी कार्ड। यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसका यूजर मैनुअल। इसके बाद यहाँ पर है टाइप सी चार्जिंग केबल, ए टिप्स मिल जाएंगे दो पेयर। और इसके साथ साथ यहाँ पर रखा हुआ है एक डिटैचेबल माइक्रोफोन। इसकी आउटपुट जरूर सुनाऊंगा आपको, माइक्रोफोन का आउटपुट कैसे मिलता है, लेकिन पहले इसका ओवरव्यू देख लो। और ये इसके अंदर प्लग इन हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे जो नेक बैंड्स हैं वो कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे, नेक बैंड यहाँ पर कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे। और विंग्स लिखा हुआ है, ब्रांडिंग है, ये लाइट है यहाँ पर जलती है, दिखाऊंगा इसका भी आउटपुट कैसा है। और इसकी सबसे पहले बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की। तो यहाँ पर ये पूरा जो मटेरियल है ये रबराइज प्लास्टिक ही है, लेकिन ये रबराइज कुछ कोटिंग कर रखी है, काफ़ी स्मूथ सी लग रही है, अच्छी लग रही है, आपकी गर्दन वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और जैसे मैंने बताया विंग्स की ब्रांडिंग है, और यहाँ पर आपको जो कंट्रोल्स हैं वो कुछ दे रखे हैं, और ये भी जो मटेरियल है प्लास्टिक के साथ है और अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर लग रहा है। इसके बाद दूसरी तरफ जो बैटरी कंपार्टमेंट है काफ़ी बड़ा सा है, और यहाँ पर भी मतलब अच्छी खासी जो बैटरी साइज है मुझे लगता है कि मिल रही है। बाकी वायर की क्वालिटी की बात करूँ तो वायर की क्वालिटी भी अच्छी मिल जाती है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ईयरफोन्स की क्वालिटी की बात कर लेते हैं, ये पूरे मेटेलिक के साथ आते हैं और मैग्नेटिक फील भी यहाँ पर है, मतलब फील क्या पूरी मैग्नेटिक है, ये टच करते मतलब ये चिपक जाते हैं, और ये पूरा मेटल के साथ आता है। बाकी यहाँ पर अगर बात करूँ तो यहाँ पर आपका जो पोर्ट है माइक्रोफोन इंसर्ट करने के लिए वो दिया हुआ है। एक बार इंसर्ट करके यहीं पर दिखा देता हूँ आपको, फिर इसका आउटपुट भी सुनाऊंगा। तो ऐसा कुछ इंसर्ट हो जाता है ये इसके अंदर, और इसके आउटपुट की बात करेंगे जल्दी से। लेकिन यहाँ पर बता दूँ ऑन ऑफ के लिए यहाँ पर कंट्रोल वगैरह मिल जाते हैं, और उसकी लाइटिंग वगैरह भी आपको जला के दिखा देता हूँ कि कैसी लाइटिंग वगैरह आपको इसके अंदर मिल जाएगी। तो ऐसी कुछ लाइटिंग है यहाँ पर, अभी थोड़ी सी लाइटिंग कंडीशन ज़्यादा है इसलिए थोड़ी सी ग्रीन की जगह व्हाइट दिख रही होगी, लेकिन एक्चुअल कलर ये वाला है यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। तो ईयरफोन्स की बात कर लेते हैं, ईयरफोन्स की जो फिटिंग थी मेरे कानों में बहुत बढ़िया तरीके से आ रही है, और जो मेटलिक ये वाला जो लुक है ना, इसकी वजह से और मतलब थोड़ा सा बढ़िया कानों में फिटिंग आ जाती है। तो आगे बढ़ते हैं और फीचर्स वगैरह की बात करते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, ये जो नेक बैंड है लगभग मेरे पास एक वीक पहले आ गए थे, और जिनको नहीं पता ना तो मैं इसकी जो स्टोरी वगैरह इंस्टाग्राम पे शेयर करता रहता हूँ। तो मार्केट से पहले जो भी लॉन्च होने वाला सारा मसाला इंस्टाग्राम के स्टोरी सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, तो फॉलो कर लिया करो, मार्केट में आने वाले नए प्रोडक्ट के मामले में अपडेट रहोगे। तो यहाँ पर मैं मतलब पूरा एक्सपीरियंस बताऊंगा आपको कैसे हैं और क्या क्या फीचर्स के अंदर मिल जाते हैं। तो पहले एक नज़र मार लेते हैं की फीचर्स पे क्या क्या इसके अंदर ऑफर कराया इन्होंने। तो बॉक्स के ऊपर ही अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 40 ms तक की लो लेटेंसी इन्होंने इसके अंदर प्रोवाइड करी है, और ये कितना काम करती है इसकी बात करेंगे। ब्लूटूथ 5.2 की कनेक्टिविटी के साथ आते हैं, और हाँ, इसमें 60 घंटे तक का प्लेबैक टाइम बोल रहे हैं, और सच में इसकी बैटरी है ना बहुत ही मतलब बड़ी सी बना रखी है। यहाँ पर आपको टाइप सी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर बात करूँ तो 12 mm के जो ऑडियो ड्राइवर हैं इसके अंदर दिए हुए हैं, और यहाँ पर एक डिटैचेबल माइक्रोफोन का जो आउटपुट देने के लिए आपको मतलब माइक्रोफोन का आउटपुट इन्हेंस करने के लिए एक अलग से माइक्रोफोन भी इसके अंदर आता है। तो यार, स्पेक्स वाइज तो बहुत ही कमाल लग रहा है। अब ये गेमिंग नेकबैंड है तो एक गेमिंग टेस्ट पहले करेंगे, माइक्रोफोन का आउटपुट मैं बाद में करूँगा। तो यहाँ पर देख लो पहले गेमिंग का आउटपुट कैसा है, उसके बाद माइक्रोफोन का आउटपुट भी आ रहा है आप लोगों के लिए। और अब कर लेते हैं इसके माइक्रोफोन का आउटपुट इंडोर कंडीशंस के अंदर। क्या बोल रहे हो, आउटडोर का भी चाहिए? चलो तुम लोगों के लिए कर दे रहा हूँ आउटडोर का, तुम भी क्या याद रखोगे, आउटडोर भी सुन लो। वैसे रात बहुत हो रही है जब मैं ये शूट कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए अगले दिन मतलब कर देंगे, सुन लो यार। तो गाइस, ये है इसके माइक्रोफोन का आउटपुट विंग्स फैंटम 1000 इंडोर कंडीशंस के अंदर, कुछ ऐसा आउटपुट ये निकाल के देते हैं। और अब मैं जा रहा हूँ आउटडोर कंडीशंस के लिए, क्योंकि बोल दिया था मैंने, तुम सुन लेना, और मुझे कमेंट में बता दे करो यार कैसा माइक्रोफोन का आउटपुट लग रहा है, मुझे बहुत जरूरत पड़ती है इन चीजों की।
समझ रहे हो ना एल्गोरिथम। और दोस्तों ये है इसके डिटैचेबल माइक्रोफोन का आउटपुट। अब इसको बता दूं ये आपके जितना मुंह के पास रहेगा उतनी क्लियर तरीके से मतलब ऑडियो क्वालिटी जाएगी दूसरे इंसान तक। आप एकदम ही नीचे कर दोगे या फिर स्ट्रेट कर दोगे तो मतलब उतना अच्छा ऑडियो दूसरे इंसान को नहीं पहुंचेगा। और मुझे बता भी देना कि डिटैचेबल का अच्छा माइक्रोफोन का आउटपुट है या फिर इसका ज्यादा बढ़िया आपको लग रहा था। तो दोस्तों ये है इसके माइक्रोफोन का आउटपुट आउटडोर कंडीशन के अंदर। तो बता देना कैसा लग रहा है आप लोगों को, और दोनों आपने सुन ही लिए होंगे। तो गाइस बात कर लेते हैं गेमिंग आउटपुट मुझे कैसा लगा, और आपको मतलब एक्सपीरियंस तो हो ही गया होगा कुछ कुछ, लेकिन यहाँ पर मैं पूरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। देखो गेमिंग आउटपुट तो काफ़ी कमाल का है, जहाँ पर मतलब आपको जो डिटेलिंग है इसके अंदर काफ़ी अच्छी तरीके से मिल जाती है। बाहर कोई अपनी मतलब कैंपा कोला भी खत्म कर रहा होगा तो इसमें पता लग जाता है। पबजी की बात कर रहा हूँ ये, क्योंकि वहाँ पर जो एनर्जी ड्रिंक पीता है तो हाँ दूर से पता लग जाता है कि हाँ कोई आसपास है। फुटस्टेप्स काफ़ी क्लियर तरीके से आते हैं और जो गोलियों की आवाज़ है वो भी अच्छी तरीके से आती है, और व्हीकल की नॉइज़ भी आराम से पहचान लेते हो। लेटेंसी का जो फ़र्क है उसकी बात करते हैं। 40 ms की लो लेटेंसी इन्होंने मतलब क्लेम करी है, लेकिन मुझे सही बताऊं तो 40 ms तो नहीं लगी, ऐसा लगता है कि 60 या 70 के आसपास कहीं कहीं लगती है। अब हो क्या रहा था, जब ये मेरे पास आया था शुरुआत में तो कभी कभी इसकी जो लेटेंसी थी ना वो 100 से भी ज़्यादा लग रही थी, लेकिन एक दो बार रिसेट मारने के बाद मुझे लगा कि अब लेटेंसी थोड़ा ठीक ढंग से काम कर रही है, तो उसके हिसाब से मैं बता पा रहा हूँ। हो सकता है कि प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम हो मेरे वाले में, क्योंकि ब्रांड वगैरह से भी बात करी तो उन्होंने बोला था कि मतलब शॉर्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हो सकता है इस प्रोडक्ट में कोई गड़बड़ी हो। लेकिन एक दो बार रिसेट मारने के बाद मुझे जो लेटेंसी है उसमें काफ़ी सही मतलब रिजल्ट्स मिले थे, लेकिन फिर भी बोलूँगा जो 40 ms इन्होंने क्लेम करा हुआ है वो 40 ms मेरे इस नेक बैंड में तो नहीं मिले। मुझे लग रहा था कि शायद 60 या 70 के आसपास ऐसा लग रहा था, क्योंकि मतलब ह्यूमन नेचर है, इतनी जल्दी मैं डिटेक्ट नहीं कर पाता हूँ कि 40 ही है कि 50 है, तो मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, लेकिन 40 नहीं लग रहा था। तो ये चीज़ लगी। इसके बाद अगर बात करूँ यहाँ पर जो एक्सपीरियंस था गेमिंग का वो काफ़ी बढ़िया था, क्योंकि फिटिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी तरीके से आती है और जो डिटेलिंग है गेमिंग के अंदर वो काफ़ी बढ़िया है। लेटेंसी के मामले में थोड़ा सा मुझे भी इसलिए डाउट था, इसलिए मैंने कंफर्म करा दिया आप लोगों को। इसके बाद बात करते हैं म्यूज़िक आउटपुट की, ये कैसा आउटपुट यहाँ पर सुनने को मिलेगा। सच बताऊँ यार, बहुत दिनों बाद कोई ऐसा नेक बैंड आया जो स्पेशली गेमिंग है और उसके अंदर इतना तगड़ा बढ़िया म्यूज़िक मुझे सुनने को मिला। म्यूज़िक की बात करूँ तो यार म्यूज़िक क्वालिटी बहुत ही फैंटास्टिक है यहाँ पर। मतलब अगर मुझे 10 में से नंबर देना हो तो 9.5 नंबर देना चाहूँगा, क्योंकि म्यूज़िक एक्सपीरियंस मेरा सच में काफ़ी बढ़िया लगा। वोकल्स यहाँ पर काफ़ी क्लियर और शार्प है। और एक चीज़ और बताऊँ, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा था कि 3D साउंड निकाल रहा है कुछ कुछ। मतलब मैं अपनी वीडियोस खुद सुन रहा था, म्यूज़िक सुन रहा था, तो ऐसा लग रहा था लिटरली कि मेरे जैसे कोई इंसान सामने खड़ा होकर मुझसे बात कर रहा है, ऐसा लग रहा था। अब हो सकता है कि फ़ोन का जो आउटपुट है कुछ ऐसा देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन दूसरे फ़ोन में भी मैंने ट्राई करके दिया जो 8 से 10 हज़ार रुपये की रेंज के अंदर आता है, सेम एक्सपीरियंस दूसरे फ़ोन में भी मुझे महसूस हुआ। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो म्यूज़िक आउटपुट है वो काफ़ी कमाल का है। हाँ बात करें ट्रैवल वगैरह की तो वो काफ़ी सही है, मॉडरेट है, कोई चुभन या फिर हाई नहीं लगते। बेस क्वालिटी बहुत दमदार है यहाँ पर, आपको जो बेस आउटपुट है वो बढ़िया मिलता है, और 100% पे जाने के बाद भी यहाँ पर कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, ये चीज़ मुझे बढ़िया लगी। तो दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है 999 के अंदर लॉन्च हो रहा है, और सबसे अच्छी बात यही है कि यहाँ पर आपको एक डिटैचेबल माइक्रोफोन भी मिलता है, तो गेमिंग का एक्सपीरियंस और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा इसके अंदर। बाकी ओवरऑल प्रोडक्ट की बात करूँ तो जब ये 999 के अंदर लॉन्च हो रहा है तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा OP है। और एक चीज़ और जोड़ दूँ, ये सिर्फ 1000 लोगों के लिए, पहले जो 1000 लोग इसे ऑर्डर करेंगे उनके लिए 999 है। हो सकता है इसकी जो प्राइसिंग है वो बाद में बढ़ जाए, और शायद मेरे को लगता है कि 1300-1400 या फिर 1500 रुपये के आसपास भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी तगड़े स्पेक्स हैं इसके अंदर और काफ़ी बढ़िया जो ऑडियो क्वालिटी है। तो इसका जो लिंक है मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट कर लेना। बाकी एक जो कमी थी मैं वो मैंने बता दी कि यहाँ पर जो लो लेटेंसी वो 40 ms की जगह मुझे लगती है 60 या 70 ms के आसपास, तो इसको भी देख लेना अगर जब आप बाय कर रहे हो। लेकिन म्यूजिक के लिए और कॉलिंग के लिए तो एक नंबर, बाकी गेमिंग भी कर सकते हो उससे अच्छी खासी। तो दोस्तों इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब मार दो यार, कितनी बार बोलना पड़ेगा। और 40,000 हमारे सब्सक्राइबर होने वाले, तो यार तुम भी इस फैमिली में जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलूंगा आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो के अंदर।